आपको सुनाई दे रहा है, सब लोग बोल रहे हैं वी वांट जस्टिस, जो हुआ है वो हम लोग सह नहीं पा रहे। महिला सुरक्षा को लेकर भले ही तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन कोलकाता से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक महिलाओं की स्थिति भयावह है। महिला सुरक्षा के तमाम दावे करने वाली तमाम सरकारें इसमें विफल होती नजर आ रही हैं, और ऐसे में विपक्ष ने भी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। और तो और, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कह दिया है कि बस बहुत हो गया, मैं बहुत आहत हूँ। वहीं अब इसी को लेकर नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने पोस्ट में लिखा, महिला सुरक्षा बस बहुत हो चुका। शीर्षक वाले लेख में महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने महिला सुरक्षा पर बात करते हुए निराश और भयभीत होने का जिक्र किया। महिला सुरक्षा पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी का लेख देश में महिला सुरक्षा की भयावह स्थिति को बता रहा है कि महिला सुरक्षा पर महामहिम राष्ट्रपति जी को स्वतः संज्ञान लेते हुए अपनी चिंता व्यक्त करनी पड़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी को महिला सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से लेकर सामूहिक स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि किसी समाज की प्रगति उस समाज में महिलाओं की प्रगति से आंकता हूं। आज देश में महिला अपराधों के मामले में एनसीआरबी की वार्षिक 2022 रिपोर्ट पर नजर डाले तो पता चलता है कि भारत में हर घंटे लगभग महिला अपराधों के 51 मामले दर्ज हो रहे हैं। राज्यों के मुताबिक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए। गंभीर बात यह है कि इनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गत दिनों की घटनाओं पर नजर डालें तो अखबार इन मामलों से भरे पड़े हैं। अयोध्या आगरा में तो एक दिन छोड़कर अगले दिन महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। लगभग हर जिले का यही हाल है, मन दुखी और क्रोधित है। उपरोक्त आंकड़े से इतर सोचे तो ये सर्वविदित है कि देश में घटनाओं की तुलना में कम मामले दर्ज होते हैं, अतः वास्तविक स्थिति इससे ज्यादा भयावह है। उम्मीद करता हूँ केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा महिला सुरक्षा पर राष्ट्रपति महोदय जी की निराशा और भय दूर करने का शीघ्र और समग्र प्रयास होगा। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जौहर, जय संविधान, जय नारी शक्ति। तो चंद्रशेखर आजाद ने तो ये लंबा चौड़ा पोस्ट करके सरकार की आंखें खोल दी। इससे पहले भी वो कई बार महिला सुरक्षा को लेकर बयान दे चुके हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा था। उत्तर प्रदेश में आज ही दो बड़ी घटनाएं, एक कल घटी जहां 4 साल के बच्चे का अयोध्या में रेप हुआ है, और फर्रुखाबाद में 2 बच्चियों को एक ही जो है चुनी से मार के लटका दिया गया है। जिन मुख्यमंत्री कार्यकाल में बेटियां सुरक्षित ना हो और छोटी छोटी बच्चियों पर अन्याय अत्याचार हो, उनकी हत्याएं, उनके साथ रेप हो, उन मुख्यमंत्री को राजनीति से ऊपर बढ़के भी अपने प्रदेश के कानून व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। वहां मुख्यमंत्री फेल नजर आते हैं, और घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए 49 शिक्षक भर्ती का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। पुलिस भर्ती में जब घोटाला हुआ था, हमारी मांग पर उन्होंने दोबारा से पुलिस भर्ती कराई, और तमाम तरह के ऐसे विषय हैं जिन पे उनको जवाब देना चाहिए। वो समझदार आदमी हैं, तो वो सोचते हैं कि पहले से इस तरह की बात कर जाए, जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हट जाए। तो ऐसे में कहा जा सकता है महिला सुरक्षा को लेकर चंद्रशेखर आजाद बीजेपी सरकार पर आग बबूला हो गए हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ इस खबर को शेयर करें और जुड़े रहें खबर पुस्तक के साथ।